हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अक्षय कुमार और दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बनाने वाले नहीं है, मैं आपको दोस्तों इस चीज पे मोटिवेट करने वाला हूँ। दोस्तों काफी सारे दोस्त मेरे मोहल्ले के और मेरे स्कूल के फ्रेंड और जो दूर दूर के मेरे दोस्त हैं जो कि टेक्निकल चीज़ों में है, वे मेरे से पूछते हैं कि भाई तुझे पैसे कहाँ से मिलते हैं ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मैंने कहा कि मैं भाई खुद से गेन करता हूँ और कुछ मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो वे कहते हैं कि भाई हमारे घर वाले तो पैसे नहीं देते और इस वजह से अपना जो मन है वे बदल देते हैं, किसी और फील्ड में लगा देते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपके घर वाले पैसे नहीं देते तो उनकी उसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि वे घर वाले पैसे क्यों देंगे, उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा। जब तक आप उन्हें कुछ करके नहीं दिखाओगे, कुछ रिजल्ट नहीं दोगे, जब तक भी आपको एक पैसे भी नहीं देंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो उसे घर पर मत रखो कि हमने बना लिया, हम उससे खुश हैं, हमारे खुश होने से कुछ नहीं होगा। वो चीज़ हम किसी कॉलेज में दिखाए, स्कूल में दिखाए, अगर वो देखने लायक होगी तो आपको उसके लिए किसी कॉम्पिटिशन में कैश प्राइज मिल सकता है और वहाँ पर वैसे कुछ रेस्टोरेंट फीस भी होती है, कहीं पर नहीं होती। तो दोस्तों जो कैश मनी मिलती है आप उससे अपना नया सामान बाय कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कुछ पैसों की जब भी कमी रह जाती है तो दोस्तों जरूरी नहीं है आप नया सामान यूज़ करो, आप स्क्रैप में से सामान ला सकते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादातर सामान स्क्रैप का यूज़ करता हूँ, मैंने आज तक एक भी मोटर नई नहीं खरीदी, बस एक दो मोटर खरीदी है 775 नाम का, और मैं तो ज़्यादातर पुरानी मोटर यूज़ करता हूँ। और पुरानी एक मेरा फ्रेंड था तो फिर वो नई मोटर लाता था उस टाइम पे, और मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, और मैं उस टाइम पर पुरानी मोटर यूज़ करता था तो मुझे इनडायरेक्टली चिढ़ा देता था, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था और वो आज कुछ भी नहीं कर रहा उस फील्ड में और मैं जबकि कुछ कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो फिर सबसे पहले तो अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कुछ भी चीज़ बनाओ उसे सबसे पहले कॉम्पिटिशन में दिखाओ, क्योंकि कैश प्राइज मिलेगा, उससे आप की जो जिज्ञासा है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और आपके पास पैसे जब होंगे तो आप नई नई चीज़ करने की सोचोगे। जब दोस्तों कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, तो फिर अगला प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? तो अगला प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोस्तों पैसे जब ही आएंगे जब हम कॉम्पिटिशन में जाएंगे और वहाँ से हम मनी कलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैं यही हूँ, मैं 9th क्लास से सेंट एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले भी मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देते थे, मतलब वो वाली बात नहीं थी जितने मान लो उतने देते थे। तो फिर सबसे पहले गया था मैं विज्ञान में, वो गया था मैं 15 जून को 9th क्लास में, और फिर उसके बाद गया था मैं नोएडा, वहाँ से मुझे एक ट्रॉफी मिली थी, और फिर मैं गया था MIT कॉलेज में, वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम मिला था 2000 रुपये का चेक मिला था, या जा सकती है कैश मिला था, हाँ कैश मिला था। और वहाँ से मैंने वे पैसे ये नहीं कि मैं फ़ोन ले आया या कुछ अपने शॉप की चीज़ लिया, मैंने सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदी। और जब से मैं इवेंट में जाता रहता हूँ और जो भी मनी मिलती है मैं उससे सेटिस्फाई रहता हूँ, और बस चल रहा है अपना जैसे कि अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इवेंट में जाता हूँ। इससे पहले तो मैं 9th क्लास से पहले चीज़ें बनाता था पर मुझे पता ही नहीं था कि बाहर साइंस एग्जीबिशन होता है, तो फिर दोस्तों मैं वहाँ पर जाना शुरू किया। एक बार अखबार में आई थी विज्ञान घर की, वहाँ पर गया था, तो वहाँ से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ से मेरा करियर थोड़ा सा शुरू हो गया। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कुछ भी बनाओ तो अपने लिए मत बनाओ, उसे दुनिया के लिए बनाओ साइंस एग्जीबिशन में दिखाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।